ये देखिए यहां से, तो ये फ्रिक्वेंसी जो है वो इससे पहले की कट हो गई है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसीज मेरी बेस, सब बेस, बेस और किक के पास आ गई हैं, तो ये मैंने यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, अब सेम चीज़ मैंने मेलोडी वाले ग्रुप के ऊपर की हुई है। आप देखिए कि यहाँ पर भी मैंने शुरू में जब मैं गया तो मैंने साइड चेन जो है यहाँ पर ऑफ कर दी। ये देखिए किक स्टार्ट, सेम चीज़, और यहाँ पर मैंने डिवाइस। आप कोई भी ऑटोमेशन लगाना चाहते हैं, आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे, आपके पास सारे जो आपने प्लगइन यूज़ किए हैं उस ग्रुप के ऊपर वो आ जाएंगे। किसी को भी सिलेक्ट कीजिए और उसके पर्टिकुलर वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम आएंगे अपने ग्रुप के ऊपर और इस ग्रुप को एक बार पूरा प्ले अगर यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से ये वाली मेलोडी शुरू हो रही है, ये दोनों। अब मैंने क्या किया, किक स्टार्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको लगाना है कैसे, और उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर लगाया है रिवर्ब, आप देख सकते हैं टैल रिवर्ब फ्री प्लगइन है, और उसके बाद फैब फिल्टर से सारी फ्रिक्वेंसीज हमने कट करनी है। ये देखिए यहाँ तक 100 से पहले की मैंने सारी कट कर रखी हैं। उसके बाद एक और मैंने यहाँ पर फैब फिल्टर लगाया, और मैंने क्या किया कि मैंने बाद की भी सारी यहाँ पे कट कर दी। ये चीज़ आप मास्टरिंग में करते हैं नॉर्मली, मैंने मिक्सिंग के अंदर की हुई हैं ताकि मास्टरिंग में मुझे ज़्यादा चीज़ें ना करनी पड़े। तो मैंने यहाँ से भी इसकी हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो कट कर दी हैं। उसके बाद मैंने सैटर्न एक प्लगइन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसको मैंने लगाया ताकि मैं अपने जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको थोड़ी सी ब्रेथ दे सकूं, ब्रेथ मतलब कि थोड़ा सा और उनको वाइब्रेंट बना सकूं। तो पहले बिना सैटर्न के और सैटर्न के साथ थोड़ी सी और ओपन होकर मेरी स्ट्रिंग्स प्ले हो रही हैं, तो ये इसलिए लगाया। उसके बाद पिंग पोंग डिले ताकि आप इधर से उधर जो है फ्रिक्वेंसीज को बाउंस करवा सकें, और ये है मेरी पैरेलल कंप्रेशन जो कि फ्री प्लगइन है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल से, WX प्रोडक्शन का जो है वो प्रोडक्ट है फ्री में। तो पैरेलल कंप्रेशन लगा दिया मैंने। अब ये देखिए कि ये मेरे किक के साथ जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो मेरी किक जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है क्योंकि मैंने ये वाला पार्ट लूप किया हुआ है, तो यहाँ पर सेम चीज़ें ही हैं, फ्रिक्वेंसीज कट हैं। अब आप देखिए कि आपकी जो चीज़ें हैं, अगर आप ऐसे जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप फ्रिक्वेंसीज को, इक्वलाइजर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके उसका मिक्सिंग का, अगर आपको चीज़ें इक्वलाइज करने आती हैं और कंप्रेस करने आती हैं, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो आपका उन्हीं चीज़ों से हो जाता है, आपको और कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो है वाइट नॉइज़, तो आपको वाइट नॉइज़ भी रखना है। वाइट नॉइज़ जो है आपकी हाई फ्रिक्वेंसीज को कवर करता है, और ये मैंने सेम रखा है, जो मेरी मेलोडी होती है वही मेरा वाइट नॉइज़ होता है, बस उसको बाउंस करने के बाद इसकी फ्रिक्वेंसी से कम है। बट वाइट नॉइज़ को इतना भी लाउड मत कीजिए कि वो सिर्फ नॉइज़ ही सुनाई दे, तो इसको आपने थोड़ा सा जो है इसकी वॉल्यूम को बाकी के उसमें कम ही रखना है, जैसे कि ये। उसके बाद बाकी के ट्रैक्स आप देख सकते हैं कि एज अ कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रहे हैं यहाँ पर। क्लैप्स मेरी आती हैं साथ में, अगर मैं क्लैप्स को प्ले करूँगा तो बिग रूम ट्रैक्स में क्लैप्स जो है आपकी किक के साथ ही प्ले होती है। आप हाउस का ट्रैक बना रहे हैं, हाउस ट्रैक्स में आप क्लैप किक, सॉरी किक एंड देन क्लैप, किक एंड क्लैप भी वाला भी एक पैटर्न होता है, बट नॉर्मली बिग रूम में जहाँ पर किक है वहीं पर क्लैप आती है। एट द सेम टाइम क्लैप का भी मैंने कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, डिफॉल्ट जैसी थी वैसी मैंने इसको यूज़ किया है, बस मैंने इसका ऊपर हेडरूम का ध्यान रखा है यहाँ पर। तो चलिए बात करते हैं कि बेस जो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, ये रही मेरी सब बेस और ये वाली बेस है जो है, तो इन्होंने मेरे को जो यहाँ पर ड्रॉप स्टार्ट हुई है यहाँ पर मुझे बेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो किक है उसके अंदर मैंने बेस ऑलरेडी इंक्लूड की हुई है। ये देखिए, तो अभी जो चीज सुन रहे हैं ढूम 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 वो किक है। तो ये जो बिग रूम वाली किक आती हैं, अगर आप फ्री सैंपल्स भी यूज करेंगे तो उसके अंदर ऑलरेडी आती हैं, तो यही रीजन है कि मैंने यहाँ पर किक के साथ मैंने जो है कोई भी बेस नहीं लगाई है, क्योंकि अगर मैं बेस भी यहाँ पर लगा दूंगा तो तीन तीन बेस जो है वो मेरी किक की जो क्वालिटी है उसको खराब कर देंगी, मेरा ट्रैक जो है वो एकदम मडी हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे बेस की जरूरत नहीं थी। मैंने बेस कहाँ पर लगाई है, जहाँ पर मेरी किक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है मुझे बेस की जरूरत है, जैसे कि यहाँ पर। तो मैं आपको सुनाता हूँ एक बार दोनों बेसिस को। तो सब बेस जरूरी है ऑलवेज, और ये वाली बेस जो है मिड बेस आप इसे कह सकते हैं, इंटरमीडिएट बेस जो होती है, तो ये दो बेस मैंने लगाई हैं, तीन बेस भी लगा सकते हैं आप, जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है, बट
जहाँ पर आपकी फ्रिक्वेंसीज का स्पेक्ट्रम बढ़ जाए उससे ज़्यादा चीज़ें मत यूज़ कीजिए, वो आपके सॉन्ग को ख़राब ही करेंगी। तो बेस ज़रूरी है, और उसके बाद बीच बीच में ये जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि ये वाली है, ये देखिए, अब इसके ऊपर देखिए मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है। अगर आप देखें तो कमी मुझे ये लग रही है कि ये बिल्कुल एकदम ड्राई है, तो मुझे इसके ऊपर चाहिए रिवर्ब। ठीक है, तो मैं प्लगइन्स में जाऊंगा, एंड देन आई विल से टेल रिवर्ब, अब प्ले करूंगा। अब थोड़ी ठीक आई, मैं इसको थोड़ा और वेट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो ये ड्राई जो चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी है, हर ट्रैक को ऊपर आपको जाना है और देखना है कि वो ड्राई तो नहीं साउंड कर रहा है। राइड्स के ऊपर हमें जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिवर्ब राइड्स के ऊपर कभी भी नहीं लगती। यहाँ पर ऑलरेडी उसके अंदर वो छिन छिन वाली चीज़ होती है, वो उसी चीज़ को कवर कर लेती है। उसके बाद इस वाले ट्रैक पर आऊँगा मैं यहाँ पर। अच्छा, किक के ऊपर मैंने क्या किया है, किक के ऊपर देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, ये नॉर्मल एक किक मैंने यूज़ की हुई है, और उसके ऊपर बेस लगाई थी, उसको मैंने बाउंस करवा के इस ट्रैक में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ध्यान रखा ये कि मेरा हेडरूम जो है, मैंने इसको -2 dB यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने कम कर दिया है। ये पहले मेरा ऐसा था, तो यहाँ पर मुझे हेडरूम बहुत कम मिल रहा था, और किक मेरे सॉन्ग का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो मुझे हेडरूम चाहिए। तो मैंने जब 0 था तो मैंने इसको -2 कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया यहाँ पर। और अब मैं अगर इसको यहाँ से प्ले करूँगा, अब एक चीज़ और देख सकते हैं कि मेरे ओवरऑल ट्रैक पर भी यहाँ पर -4 की वॉल्यूम जो है वो कम की हुई है। तो -2 यहाँ पर, -4 यहाँ पर, मतलब -6, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जब भी आप मिक्सिंग करते हैं, तो -6 dB हर ट्रैक की वॉल्यूम आप देखेंगे अगर कम ऑलरेडी है, तो आपको जो है वो हेडरूम जो है बहुत अच्छा मिलता है। तो एक जो है आपको हेडरूम बनाए रखना है यहाँ पर ऊपर, जैसे कि ऊपर और नीचे ये वाला। दूसरा, आपको फ्रिक्वेंसीज कट करनी है, कंप्रेशन लगाना है, रिवर्ब, कोई ट्रैक जो है वो आपका ड्राई नहीं साउंड होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, रिवर्ब जरूर लगानी है। और इस तरह से जब आप अपनी पूरे ट्रैक के ऊपर जब ये चीज़ें कर लेंगे, आपको पूरे ट्रैक के ऊपर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ लाउडेस्ट पार्ट को लूप करना है और वहाँ पर आपको जो है ये चीज़ अप्लाई करनी है, तो बाकी के जो पार्ट हैं आपके सॉन्ग के वो ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप पूरा मिक्सिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। मैं यहाँ पर और भी डिटेल में जा सकता था, मतलब डिटेल इन द सेंस कि इनको मैंने किस तरह से बाउंस किया, क्यों मैंने इस हिस्से को यहाँ पर ही रखा, बट उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा पर्पस ये है कि आपको चीज़ें जो हैं वो इजीली समझ में आएँ। यहाँ पर मैंने मिक्सिंग का बताया कि मेरा मिक्सिंग का प्रोसेस कैसा होता है, आपका मिक्सिंग का प्रोसेस शायद इससे सिमिलर भी हो सकता है, शायद इससे डिफरेंट भी हो सकता है, पर यकीन मानिए कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप एक बेहतर मिक्सर जो है वो बन सकते हैं, और सारी मिक्सिंग आप खुद ही कर सकते हैं। मैं अपने ट्रक्स कभी भी मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए बाहर नहीं देता, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि मास्टरिंग कैसे करनी है जब आपकी, और अगले वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल ट्रैक के अंदर क्या डिफरेंस होता है जब आप उसको मास्टर करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको ध्यान रखनी है अपने मिक्सिंग में, और अगले वीडियो में आऊँगा आप लोगों के सामने मास्टरिंग के साथ। तो आई विल सी यू वेरी सून। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप मेरे ऐसे वीडियोज़ को और देखना चाहते हैं, और इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आया है। सो टेक केयर।